तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे साथ। और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। वैसे तो सर्दी का सीज़न है, लेकिन बड़े भाई साहब राकेश जी बोल रहे हैं कि हम धारे में ही नहाएंगे। धारा मैं अभी दिखाता हूँ, प्राकृतिक जल स्रोत जो होता है उत्तराखंड में, जो पीने के काम भी आता है पानी, उसको हम धारा बोलते हैं। तो वहीं पे हम नहाने के लिए जा रहे हैं। बिस्लेरी का पानी फेल है। तरह तरह के नाना प्रकार के मिनरल्स प्राकृतिक रूप से ही उसमें आ जाते हैं। पेड़ भी लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत पेड़ है। और देखिए बड़े, बहुत बड़े साइज के केले हैं इसमें। बहुत बड़ा केला होता है। हाँ, किसका है ये? हमारे। अच्छा, बहुत अच्छा केले का पेड़ लगा रखा है। ये महेश जी लोग हैं यहाँ पे, जैसे हम भी आ जाते हैं। अगर ये गांव में ना होते तो हम भी ना आ पाते। चलिए आपको अभी धारा दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, धारा में हम आ गए हैं और भाई जी ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। यहीं पे आज हम नहाएंगे ठंडे ठंडे पानी में, और दिखाता हूँ आपको धारा कैसा होता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने धारे पे। पानी का प्रेशर देखना आप, कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है। और ये सदियों से आ रहा है, किसी को नहीं पता है पानी का स्रोत कब से यहाँ पे आ रहा है। बहुत स्वच्छता रखी जाती है यहाँ पे, बहुत निर्मल जगह है। फालतू का कोई भी गंदगी यहाँ पे नहीं करी जाती है। पीने के काम ये पानी आता है, साथ में नहाने के काम के। अभी यहाँ पे हम नहाएंगे, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, भाई साहब ने हमारे नहाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों बहुत ठंडा पानी है, यकीन मानिए, लेकिन आनंद भी बहुत आ रहा है। तो ज़्यादा अश्लीलता नहीं फैलाते हम यहाँ पे। अभी के लिए भाई, नहाने के बाद आपसे मिलते हैं और भी आपको गांव के बहुत सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ द हिंदू फैमिली व्लॉग्स के साथ। दोस्तों आज बहुत साल बाद घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। देखिए ताला तोड़ना पड़ा है और ये हमारे घर का दरवाज़ा है। अब देखिए इसको खोल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या है, कैसा सीन है, जाने लायक भी है या नहीं। डर भी लग रहा है कि सांप वाप ना हो अंदर इसके। ये है हमारे चाचा। तो प्रधान जी खोल रहे हैं ताला। बेटा तू थोड़ा साइड में। ओ बाप, ये चुवा बेहतर है बेटा। जरा यहाँ को हर जा दो भाई साहब, बहुत सामान है। अरे कोड़ लाट चल भाई, अब दे दादा याजवल बाल दे होना। चलो एक बार खोल देते। वही तब यार खुल गई, देख कर रहा तो मैं क्या ले। अब देख बाबा, मैं भी देख ना बेटा। तार जानो, तब हम तार जानो फिर तक जाना है, फिर तक जाना है। कथा दे लगन आराम जाना बेटा। हटियो जरा कथा, तुम पहली बार देख खुल भीतर है। मैं ना पहले बार और से ज्यादा नहीं था यार। देखिए दोस्तों, अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च की व्यवस्था करते हैं, फिर अंदर जाके देखेंगे। और डर भी लग रहा है जाते हुए, सांप वगैरह का। बाकी आप बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको। तो ये नीचे का रूम है हमारा, इसको बोलते हैं ओबरा। डर भी लग रहा है आते हुए यार। हाँ रे के नहीं, मगर और भी सामान हो लिया यार। देखिए दोस्तों, प्रधान जी ने बोंड का ताला भी तोड़ दिया है। अब ऊपर जाएंगे, देखेंगे अंदर जाके क्या स्थिति है। ताला नहीं टूटा, लेकिन वो ही निकल गया, उसका जो संकल है वो निकल चुकी है। ये नहीं टूटेगी, मैंने दो दिन पहले नहीं बोल दिया, ये टूटेगी थोड़ी। आराम से संकल टूट गई, लेकिन ताला नहीं टूटा। तो इसका मतलब पुराने ताले मजबूत स्थिति में थे। घर के अंदर स्थिति देखिए कितनी भयानक हो रखी है। बेटा साइड में हो, देखिए बाद में इनको ऐसे रख देना है। बेटा रुक जा, रख सर पर भी चल बेटा।
भाई साहब यहाँ तो मैं आना होगा ना। आना पता कैसे होगा? ये भीतर फंस है ना। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति हो रखी है यहाँ। पहले कच्चे फरस होते थे मिट्टी के, और सारे चून हो जा। यहाँ तो मैं आना होगा, गाड़ी में ये सामान, ये बर्तन ले जाने होंगे। इधर देख, इधर देख, घर के पूजा पाउडर और डब्बा है, बस कोलगेट और सिंथोल पुराना पाउडर का डब्बा। ये देख भगवान देख यहाँ। हाँ, ये पूजा घर पुराना। हाथ में गिलास देख, ये सुरक्षित है भाई। आराम से आराम से। ये वो सोचो भाई है, ये आपने देख लिया है, ये आपका फरे पान। अभी मैं गौरव जाऊँगा था, ये लोटा मैं और पान था तुम यहाँ। पता क्या चीज भंडारा में बोले क्यों, ये पुराना भंडा दुकानों बांट रहे हो। ये कपेट क्या चला, ये दिया, ये देख हुआ का, ये दिया बोतल का निकलने चले स्पेशल पूरा वक्का दिया यार। ये दिया तवा तमाम नाल बाण फर्स। तो देखिए ऐसी स्थिति हो रखी है घर की। इस कुठार के अंदर अभी हमने देख लिया है पुराने भांडे हमारे बहुत सारे, इन ट्रंकों के अंदर बर्तन कपड़े हैं, और यहाँ डर भी लग रहा है। ये देखिए लंगोड़ा टूट चुका है और छत में से पानी रिस रहा है ऊपर से, उधर आपको दिख रहा होगा। ये घर भी बच सकता है पूर्णता से। अच्छा, पूर्णता से बचा हुआ घर है ये। फरस मजबूत है यार, ये अभी ये फरस यहाँ पर अब चुंगे नहीं ऐसा है, चुंगे है ये। ये चूल्हा पुराना, इसमें ये फ्राई पैन पुराना रखा हुआ है। चलो वो और देखना, यानी कड़े दरवाजे हैं। माँ जी ने ले पी तो पिछली बार जब ये मट्ठा बिलोने के लिए डंडा लगा रखा है पुराना। एक बार दिखा दो तो, माटो तो कई दिखा दो। का के निखान तो यार मैं, अरे हां सो दे भयंकर है बुद्ध ने बड़ोण। चलो बे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। देखिए दोस्तों अभी हम मकान की छत पर चढ़ गए हैं, क्योंकि ऊपर से देखना चाहते हैं कि घर की छत की क्या स्थिति है, क्योंकि इसको अब सही करवाना है, इसकी मरम्मत करवानी है। काफी संभल के बच बच के चलना पड़ रहा है कि फिसल ना जाए हम यहाँ पे। और आ रहा हूँ, आप व्लॉग बंद करो पहले। व्लॉग बंद नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाओ। इस तरह मत जाना, ये अंदर चले जाएगा, क्योंकि वहां से इसका जब संपर्क टूट, यूं रखो कने टूटी तो लास्ट तक रहे ना। ज्यादा तो ये वाला पर पापा आप बचो ना, ये वाला तक तक कैन बचो सो तुम देख रहा नहीं, जब दो चदरी चदरी धरी रहने नहीं नन पे तो पानी ना लाओ। चल रहा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, डैमेज हो चुका है मकान ना पूरी तरह से। तू देख लिया आज पार देख लो, सो सो ये के पीछे ये जंप लीन थी एक दिन बिता रहे तुम जन बना बेकार पर कर लंगोड़ टूटी छे टूटी ना। हां मोटू लंगोड़ ने उन जिस जन का भाई एक दिन मोटू लंगोड़ ने बाबा बाबा बताई रे मैंने बोल पापा ने ज्यादा कि आप देश मकान बनो जा। अब छोड़ हम कुछ नहीं करना। दोस्तों ये हमारे पहाड़ की विशेषता, इसको कहते हैं हम खटाई। नींबू माल्टा या नारंगी से इसको बनाते हैं। बिल्कुल सरसों का थोड़ा सा तेल और घर के पिसे हुए मसाले इसमें मिलाए जाते हैं। अच्छा होता है इसका, क्या आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप बताइए आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं आप लोग। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तब तक के लिए बाय।